जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। पहले भी इसके ऊपर बात हुई है, हालांकि ये स्टॉक ही ऐसा है कि जिसके बारे में समय समय पर बात करते रहना जरूरी भी है, क्योंकि जिस स्टॉक में कमाने के चांसेस ज्यादा हो, जिस स्टॉक में लगातार कमाई हो रही हो, उसमें यदि बार बार वीडियो बना के ऐसे लोग जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं उनको जागरूक किया जाए तो एक प्रकार से पुण्य का काम है, भलाई का काम है। तो सकुमा एक्सपोर्ट उसी तरीके का एक स्टॉक है, कह सकते हैं कि सोने का अंडा देने वाला एक प्रकार से ये स्टॉक है जो लगभग हर एक स्थिति में आपको पैसा बनाकर देता ही देता है। पिछले कुछ समय से स्टॉक का शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी प्राइस बढ़ने लगा है। मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, मजबूती के साथ प्राइस ऊपर आ रहा है और ये एक लंबा हाई बनाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो एक दिन में तकरीबन 5% के आसपास तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है, यानी कि तेजी का दौर इस स्टॉक में शुरू हो गया है। मैं आगे आपको इस वीडियो में चार्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग सीधे बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं, जहाँ पर इस स्टॉक के बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी इसमें चल क्या रहा है, फिर आगे इस स्क्रीन वेबसाइट पर आके इसका डिटेल्स लेंगे। देखिए बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अभी एसएम स्टेज वन में है, यानी कि सेबी का जो सर्विस लांस मेजर होता है उसमें भी स्टॉक है। हालांकि इससे घबराना नहीं है, स्टेज वन और स्टेज टू जैसे जो कैटेगरी होती है इसमें कुछ होता नहीं है, बस नाम के लिए होता है। हालांकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब चूंकि स्टॉक में तेजी आने लगी है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो यहाँ पे ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में होने की वजह से पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक में अपर सर्किट भी लगा है आज के डेट में, और ये अपर सर्किट के बदौलत स्टॉक तेजी से ऊपर तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस जो कंपनी का हाई था उस हाई को ब्रेक करते हुए भी अब स्टॉक नजर आएगा कुछ ही समय में। नीचे कॉर्पोरेट एक्शन में जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि अभी हाल ही में कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया था, तो जिन जो भी लोग बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे मैं उम्मीद करता हूं उनको इस कंपनी के बोनस शेयर्स मिल गए होंगे। जो लोग को बोनस अभी तक नहीं मिला इस कंपनी का वो बोनस सितंबर के लास्ट, जिससे सितंबर मंथ चल रहा है तो ये मंथ खत्म होने तक उनके डिमेंड अकाउंट में इस कंपनी के बोनस शेयर्स, जितने भी बोनस शेयर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे वो क्रेडिट हो जाएगा। एक बात ध्यान देना है, यदि कोई नया व्यक्ति है जो अभी इसमें बाई नहीं किया है इस स्टॉक को, तो उसको जरूर बाई करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक क्या है कि समय समय पर इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं और एक साल में कम से कम 2 से 3 कॉर्पोरेट एक्शंस इस स्टॉक में होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस में सिर्फ बोनस ही नहीं होता है, इसमें जैसे देखेंगे तो राइट इशू भी आ गया, एक बार डिविडेंड भी मिलता है, स्टॉक स्प्लिट भी होता है। यहाँ पे तो एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड का, हर साल ये स्टॉक आपको डिविडेंड देता है, डिविडेंड तो गारंटी ही देता है और डिविडेंड के साथ साथ या तो आपको बोनस मिलेगा या स्प्लिट होगा स्टॉक, तो ये भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। तो स्टॉक के प्राइस बढ़ने के अलावा ये जो बेनिफिट है कॉर्पोरेट एक्शंस होने से ये आपको मिल सकते हैं, तो आप इसमें सही लेवल देखे बाई करने के बारे में जरूर सोचिएगा। अब मेन सवाल है कि क्या सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड में हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए जिसके पास पहले से शेयर्स है उनको तो ये सवाल मन में नहीं आएगा, जो नए व्यक्ति है उनके मन में ये सवाल जरूर आ सकते हैं। देखिए जरूर बाई करना चाहिए इस स्टॉक को। क्यों बाई करना चाहिए? क्योंकि ये जो स्टॉक है आपको मल्टीपल बिजनेसों में काम करते हुए आपको दिख जाएगा, जैसे कंपनी आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, एक्सपोर्ट के बिजनेस में कामकाज करते हुए दिख जाएगी। इसके अलावा कंपनी कमोडिटी के बिजनेस में आपको कामकाज करते हुए दिख जाएगी, विंड पावर ट्रेडिंग के सेक्टर में कंपनी कामकाज करते हुए दिख जाएगी, यानी कि मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी खुदी हुई है। और जब मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी काम करती है तो किसी एक सेक्टर में यदि उतार चढ़ाव होता भी है तो दूसरे सेक्टर में तेजी होने की वजह से स्टॉक समझ जाता है। तो इसलिए इस सेक्टर में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनता है काम के बेसिस पे, और प्लस कंपनी का जो फंडामेंटल है यह भी काफी बढ़िया है। मैं आगे फंडामेंटल दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझ लेते हैं किस लेवल पे बाई करना बनता है। एक साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी के बाद करेक्शन होता है, प्राइस नीचे आ गया था, लेकिन आपको देखने को मिलेगा प्राइस फिर से उठने लगा है। प्राइस चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये 6 रुपये से लेकर 5 रुपये का जो लेवल है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके लिए सपोर्ट का लेवल 5 रुपये का जो लेवल था ये तो एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इसने समय बिताया था और यहीं से ऊपर निकलने के बाद प्राइस ऊपर गया था। तो 5 रुपये तक आने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे लगभग 5 तक पूरा नहीं आया, ऊपर से ही सपोर्ट लगे, प्राइस ऊपर उठने लगा है और इजिली 6 रुपये के लेवल को ये ब्रेक कर देगा। और 6 रुपये का ये लेवल है, जैसे ब्रेक करेगा तो फिर प्राइस अपने प्रीवियस हाई ये जो लेवल है यहाँ से भी मिलाएंगे, तकरीबन कह सकते हैं 10 रुपये के लेवल तक तो इजिली आ ही जाएगा। और 10 रुपये के लेवल तक आने के बाद ये स्टॉक जब ऊपर निकलेगा तो फिर एक डबल
इसके माना जाता है डबल जाता है, तकरीबन 18-20 रुपए तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिख सकता है। तो जो नए व्यक्ति बाई करना चाहते हैं वो जैसे इसका प्राइस 6 रुपए के ऊपर निकले तो 6 रुपए के ऊपर थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं। जो बहुत सेफ चलना चाहते हैं वो 7 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं, तो उनके लिए ठीक रहेगा। हालांकि जिसके पास पहले इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए, जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर्स हैं, वो एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 6-7 रुपए के बीच में जहाँ पे स्टॉक मिले 6 से 7 रुपए के बीच में वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको इसमें कमाई का मौका मिलेगा और समय समय पर कमाई का मौका तो मिलता ही रहेगा क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन जो होते हैं वो समय समय पर होते रहते हैं, तो इससे तो आपकी कमाई होती ही रहेगी। शेयर के प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, इससे भी आपको जबरदस्त कमाई होगा। इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की बात करें या कंपनी के हम लोग फंडामेंटल की बात करें, सभी चीज बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स लगातार आपको ग्रो करते हुए यहाँ पे दिखेगा और सेल्स के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। प्लस कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा डेप्ट वगैरह है नहीं, कंपनी में प्रमोटर्स भी ठीक ठाक मात्रा में है। तो सातवां, एक्सपोर्ट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है। किस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या एवरेजिंग कर सकते हैं वो जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। बाकी मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।